मंगलवार सुबह 8 बजे हिंगना थाना क्षेत्र के अमरावती रोड पर देवरी पेंडारी गांव के पास स्कूल के छात्राओं को पिकनिक ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस कारण एक बच्चे की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार की सुबह राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दिया इस्तीफा। उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच सिटी पैलेस के बाहर पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये राजपरिवार महाराणा प्रताप सिंह के वंशज है। देश के संविधान के 75वें साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है, जिसमें पहली बार पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ ही मंच पर बैठे दिखे। ग्रेटर नोएडा में एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने के कारण 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।